हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सभी? अच्छा है, आज भाभी भी बोल रहे हैं पीछे। तो अभी सुबह के 8:30 बजे हैं, हम जो है घर के काम कर रहे हैं और मैं भाभी धो रहे हैं कपड़े, मैं बनाने लगी हूँ ब्रेकफास्ट। आज हम बना रहे हैं मूली के परांठे और भैया गए हैं सब्जी लेने के लिए, तो जैसे ही आते हैं उसके बाद हम ब्रेकफास्ट बनाते हैं। बाकी सभी भी उठ गए हैं लेकिन मम्मी अभी नहीं उठ पाए हैं, क्योंकि मम्मी का कल से ना बीपी हाई था तो उनकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही थी हमें, इसलिए हम बोल रहे हैं कि अभी सो ही जाओ थोड़ी देर, तो ठीक है। लड्डू उठ गया अभी पापा के साथ गया घूमी घूमी करने के लिए, उसकी भी हैबिट थोड़ी सी चेंज हो रही है अब कि लड्डू थोड़ा सा जल्दी उठ रहा है जब से वो ऊपर रह रहे हैं। पता नहीं ये क्या फ़र्क है, नीचे रहते हैं तो वो सोया रहता है 12-12 बजे तक नहीं उठता, ऊपर जिस दिन से रह रहे हैं उस दिन से वो थोड़ा सा जल्दी उठने लग गया है। और आज हमने लड्डू की हेयर कट भी करवाना है, आज लड्डू का हेयर कट फाइनली करवा देंगे। 3-4 दिन से सोच रहे हैं लेकिन बस कोई ना कोई और काम में बिजी हो जाते हैं, नहीं करवा पा रहे। पर हमारा धोबी घाट चल रहा है। कितने के रह गए भाभी? टावल रह गए बस, पर मेरी भी बस परांठे बनाने की तैयारी तो सभी हो गई है, बस भैया आते हैं सभी रेडी होते हैं उसके बाद बनाते हैं हम परांठे। तो अभी हम नहा धो लिए और लड्डू को कटिंग करवाने लेके जाना था लेकिन इसने नहाई कितनी जिद कर ली कि इसको अभी हमें नहलाना पड़ गया पहले। देख लो अभी अभी नहा के आया ये अपने आप, और इसको इतना पता है कि नहाने जाना है तो अपने आप अपने सारे कपड़े अपने आप उतार के खड़ा हो गया कि चलो जल्दी नहलाने लेके चलो, तो इसलिए हमें नहलाना पड़ गया। तो कटिंग का काम इसका जाएगा अब कल पे। बाकी सभी घर के काम हो चुके हैं, खाना भी हमारा दोपहर के लिए बन चुका है, बस अभी सभी बारी बारी रेडी होते हैं और लगते हैं फिर हम स्टोरी के वर्क पे। और देख लो स्टोरी के दिन पे मम्मी ने मुझे क्या किया, पट्टी अभी ना बांध के रख लो थोड़ी देर, अभी खत्म हुई है स्टोरी और पट्टी उतार दी आपने। मम्मी मैं कह रही थी थोड़ा व्लॉग में सीन लेने के हम क्या कर रहे हैं, इसीलिए बोल रही थी मैं, वैसे थोड़ी बोल रही थी आपको कि पट्टी बांध के रखो आप। तो अभी हमारी एक स्टोरी कंप्लीट हो गई है, 4:30 बज चुके हैं। मम्मी नेक्स्ट स्टोरी की तुरंत तैयारी कर लें, चाय बना, ये बर्तन उठा के ले जाओ ऊपर, सारे ऊपर वाले सिंक में रख दे और चाय बना ले, चल चल चल। और ये हमें स्टोरी के लिए बाहर निकालने पड़ गए थे। अभी लड्डू की ना जिद शुरू हो गई है बार बार ना गाड़ी की चाबी उठा के, और कह रहा है कि मम्मी पापा चलो लड्डू, फिर मैंने इंज दे देना, इंज बना दूंगी मैं रवाना। तो भी लड्डू की जिद की वजह से हमें जाना पड़ रहा है घूमी घूमी करने, गाड़ी की चाबी उठा के बोले भैया और मम्मी के साथ जाना है। कह रहा हूँ लड्डू किसका बेटा है? अच्छा तू मेरा बेटा है, चल जा माता को जा, आ जा नो माता नो, आजो माता। चिज्जी दिला लाया, चिज्जी तो ये पहले भी लेके आया था पापा के साथ लेकिन इसकी जिद थी कि गाड़ी में जाना है। चॉकलेट ले आया, कोक ले आया, लड्डू माता ने आज ऊपर नीचे के कितने चक्कर लगा लिए। तो ऊपर है और 7 बजने वाले हैं, मैं जा रही हूँ डांस क्लास के लिए, आज मेरा पहला दिन होगा वहाँ पर, पंजाबी डांस सीखने के लिए लगी हूँ मैं, भैया के साथ जा रही हूँ। चल छोड़ के आ रहा हूँ तू, ठीक है चलो। भाई क्या घर पे है ना? नहीं दोनों ही हैं, एक्टिवा भी है बाइक भी, पापा तो अंदर हैं। अच्छा हाँ दोनों तो खड़ी हैं ये। तो अभी रात के 10 बज चुके हैं, डिनर हमने सभी ने कर लिया और डिनर आज हमारा रेडीमेड आया था घर पे, नहीं बनाया हमने कुछ, तो बर्तन वगैरह थे भाभी करना है, लड्डू यहाँ पर कार्टून देखने बैठा है पापा के साथ। ओए लड्डू बाबू इसकी तो सीट पक्की होगी है ना पापा जी, ये पीले पानी और अंदर चल रहे हैं लाइव, यहाँ पर चल रही हैं बातें और साथ में देख रहे हैं नानी स्टोरी। आज की स्टोरी में मम्मी क्या हुआ था? तू भागी ससुराल काम से बच के है मम्मी, मैं क्यों बनाऊं चाव। तो फिर रात के 11:30 बजे हमारी खूब चल रही है लड्डू की मस्ती और यहाँ पर मम्मी लिखवा रहे हैं स्टोरी मेरे से, मम्मी यहाँ पर बोल बोल के बता रहे हैं कि क्या क्या लिखना और मैं लिख रही हूँ। क्या हो रहा है लड्डू अब मार क्या है, फिर से मार क्या है ये, जा जाके ना भाभी को मार के आता है फिर यहाँ पे आ जाता है। देखिए मार क्या है लड्डू शतानु, तूने सारा सिखा दे जो सीख क्या यार। चलो डांस ऐसे करके, पैर आगे हाथ ऐसे नीचे फिर ऐसे,
पेट में जो भर जाएगा तेरा ये देखो ऐसे फिर ऐसे हाथ मारे जाते हैं यार मेरे को। बस इतना तो है भी इतना कर दिया।